वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम सागर गुप्ता है और आज हम कुछ बेसिक अपडेट जो गाड़ी में आए हैं थार के अंदर उसके बात करेंगे। तो थार के अंदर पहले यहाँ पे कुछ डमी स्विचेस होती थी, जो लास्ट तीन वाले जो स्विचेस है वो, जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं था। तो और यहाँ पे कुछ कंपनी ने कमांडिंग फीचर्स दिए हुए थे, जैसे स्टेबिलिटी प्रोग्राम ESP कंट्रोल के लिए और हिल डिसेंट कंट्रोल के लिए ऑप्शन दिया हुआ था। और पहले सेंट्रल लॉक की कोई स्विच वगैरह नहीं थी, तो कंपनी ने ये लेटेस्ट मॉडल में अपडेट करके दे दिया है। तो यहाँ पे तीन स्विचेज जो आपको दिख रही है एडिशनल स्विचेस, तो उसमें जो राइट हैंड साइड की जो फर्स्ट स्विच है वो है सेंट्रल लॉकिंग, लॉक अनलॉक के लिए। मिडल की जो स्विच दिख रही है, जो हल्की सी कार आपको दिखाई गई है डाउन हिल करती हुई, वो है हिल डिसेंट कंट्रोल, जिसकी वजह से आप डाउन हिल के टाइम पे आप कार की जो स्पीड है वो मिनिमाइज कर सकते हैं विदाउट एनी ब्रेकिंग एफिशिएंसी के, ब्रेकिंग फोर्स के बिना। और तीसरी जो स्विचेस है जिसमें लिखा है ऑफ और कार दूरी हुई है, वो है ESP स्टेबिलिटी प्रोग्राम की स्विच। अगर मान लो हाई स्पीड पे जा रहे हो तो गाड़ी का जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज करता है और इसको आप यहाँ से बंद और ऑन ऑफ कर सकते हो। तो अगर आपको ड्रिफ्टिंग वगैरह या स्टंट या एडवेंचर करना हो तो आपको इसको ऑन ऑफ करने की जरूरत पड़ती है मेजरली। तो ये सारे स्विचेस जो है वो कंपनी ने यहाँ पे ऐड करके दे दी हुई है। तो ये थार के अंदर बेसिक अपडेट आया हुआ है। तो ऐसे ही अपडेट लेने के लिए वीडियो पे बने रहिए चैनल पे और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।